सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नई टेक्निक्स और डिजाइन का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिल्डर्स का एक संगठन। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर निर्माताओं के एक संगठन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश को रद्द करने की मांग की है। 60 से अधिक बिल्डर्स सदस्य वाले इस फोरम ने कहा है कि हम धूल प्रदूषण को कम करने के लिए अत्याधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और इस संबंध में बनाए गए सभी नियमों का पालन भी करते हैं। फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संबंधित डाटा और आंकड़ों को देखते हुए अदालत को निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंध के निर्देश पर फिर से विचार करना चाहिए। सीएम विजयन ने दिया बड़ा बयान, कहा वामपंथियों के कारण ही केरला में संघ का सांप्रदायिक एजेंडा विफल हुआ है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर RSS और संघ परिवार पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यामथाई आंदोलन के कारण RSS का सांप्रदायिक प्रचार केरल में जोर पकड़ने से पहले ही विफल रहा है। वहीं सीएम पिनाराई विजयन पी कृष्ण पिल्लई मेमोरियल स्टडी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने यह सब बातें कही। उन्होंने कहा कि RSS हमारे कपड़ों और खानों को लेकर लोगों के अंदर घृणा फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें केरलवासी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक तौर पर गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं, वे समाज में भद्रता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सबरीमाला के प्रसाद में हलाल गुड़ के इस्तेमाल को लेकर भी संघ और परिवार पर हमला बोला। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर हुई जमकर गोलीबारी, गोलीबारी में 3 से ज्यादा समर्थक हुए गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर जमकर गोलीबारी हुई। बीते कल ही हाजी यूनुस बसपा को छोड़कर रालोद में शामिल हुए थे। आज रालोद नेता हाजी यूनुस नई मंडी चौकी क्षेत्र के भाईपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। शादी समारोह से लौटते समय हाजी यूनुस के काफिले पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर हमला कर दिया। वहीं दो गाड़ियों पर लगभग 40 से ज्यादा गोलियों के छेद नजर आ रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ हाजी यूनुस पर हमला करने आया था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही हाजी यूनुस के भाई हाजी अली की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी उन्हीं के घर में। सर, बुलंदशहर में भाईपुरा क्षेत्र में सर गोली कांड हुआ, इसमें हाजी यूनुस के काफिले पर गोली बताई जाने लगी हुई बताई जा रही, क्या मामला सर? ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गाँव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गाँव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद हैं, उसके द्वारा यह घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। सर, एक ब्लॉक प्रमुख पति पर हमला हुआ है, किन लोगों ने हमला किया है, क्या घटनाक्रम रहा, क्या जानकारी में आया? अभी लगभग 3 बजे जैसा कि जानकारी में आया है, और हमारे बुलंदशहर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के पति जी हाजी यूनुस जी, उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वो सभी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। ये घटना प्रकाश में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं। कोई ये अभी ये नहीं पता चल पाया घटना का कारण क्या है। SSP साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो भी सही स्थिति है अभी बहुत शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग घायल हुए हैं कुल? अभी तक के जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी है वो 5 लोग घायल हुए हैं।
सर ये बताया जा रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां चली हैं। ये जांच का विषय है, अभी इस पे कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी तीन बजे की घटना है और जरूरी ये था कि पहले जो घायल हुए उनका इलाज कराया जाए, वो कार्रवाई की जा रही है। बाकी पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो कर रही है। हमलावरों के बारे में कोई इनपुट्स? अभी मैंने बताया, अभी इलाज ज्यादा जरूरी है और बाकी जिसको जो काम करना है वो कर रहे हैं, अपनी एजेंसी अपना काम कर रही है। क्या जवाबी फायरिंग भी हुई है उसमें कुछ? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि शहर के आउटर स्कर्ट का मामला है और अभी पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच का परिणाम होगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर दिन दहाड़े हमलावर इस तरह की घटना कर रहे हैं, चलती गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, कितनी बड़ी घटना मान रहे हैं सर? मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ये कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक हिरण चटर्जी ने कहा, चुनाव के होर्डिंग और पोस्टर में नहीं रहना चाहता, मेरा काम खुद बोलेगा। अभिनेता से भाजपा विधायक बने अभिनेता हिरण चटर्जी ने रविवार को कहा कि वह होर्डिंग्स में नहीं दिखना चाहते हैं क्योंकि उनकी तस्वीर पार्टी द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स में गायब है। वहीं खड़गपुर सदन निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगाए गए होर्डिंग्स में अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं की तस्वीर थी। हिरण चटर्जी ने कहा कि होर्डिंग्स और पोस्टर में नजर आने वाले नेता नहीं बल्कि लोग ही चुनाव में एक राजनेता की जीत सुनिश्चित करते हैं। उनके इस बयान का भाजपा और सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस दोनों के नेताओं ने समर्थन किया है। नागालैंड फायरिंग में सरकार ने सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों के परिवार को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागालैंड सरकार ने रविवार को मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने शनिवार शाम को हुई घटना की जांच के लिए एक स्तर की अधिकारी बैठक भी नियुक्त की, जिसमें यह फैसला किया गया कि जो भी लोग उस गांव में मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं बता दें कि जो घायल हुए हैं उनके सभी इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। अमेठी का नाम सामने आते ही गांधी परिवार की तस्वीरें नजरों के सामने आ जाती हैं। हालांकि अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। 2019 में राहुल गांधी को हराकर भाजपा की स्मृति ईरानी जहां अमेठी से सांसद बन गई हैं, वहीं सपा ने भी अमेठी को अपना गढ़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए सपा ने अमेठी में स्मृति से मुकाबला करने के लिए अपर्णा यादव को उतारा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पहली बार अमेठी पहुंची। यहां वह तिलोई विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इससे अमेठी का सियासी पारा बहुत बढ़ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी का एक दिवसीय दौरा करके वापस लौटी तो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव अपनी सियासी जमीन ढूंढने अमेठी पहुंची। सबसे पहले अपर्णा यादव यहां तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर ब्लॉक स्थित अहोरवा मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने मां अहोरवा का दर्शन कर माथा टेका और मां अहोरवा की आरती के साथ प्रार्थना कर पूजन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो सीधा जयास के मालिक मोहम्मद जयासी शोध संस्थान पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं क्यास लगाया जा रहा है कि वे अमेठी से विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोक सकती हैं। मैं यहां से लोगों की अपील है, चुनाव लड़ने के लिए क्या लड़ेंगे आप? यहाँ पे जनता से जिस तरह से प्यार देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आपकी आपका क्या दिल इच्छा है? देखिए, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगी, जैसा भैया या नेता जी हैं वो डिसाइड करेंगे। अमेठी पहली बार है, क्या कुछ यहाँ पे लगा? अभी रोड की हालत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम तैनात, सीसीटीवी ड्रोन से रखी जा रही है नजर। मथुरा के निवासी आज सुबह जब उठे तो उन्होंने अपने शहर को एक किले के रूप में देखा। खास तौर से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कटरा केशव देव इलाके में 3 लेयर की सुरक्षा कर दी गई है। ये वही इलाका है जहां मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। ये सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के बावजूद मथुरा में कभी भी कोई कलेश नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कुछ चीनी व्यापी संगठनों की ओर से धमकी दी गई है कि वो मस्जिद के अंदर हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने जा रहे हैं। इसे देखते हुए आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर को जोड़ने वाले हर नेशनल और स्टेट हाईवे पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर सिंधिया का पलटवार, कहा मैं उस स्तर तक नहीं गिर सकता।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गद्दार कहने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सिंधिया ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग जिन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहा और कहा कि वे सत्ता में आने के बाद धारा 370 को बहाल करेंगे, यह तो जनता ही तय करेगी कि कौन गद्दार है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं उस स्तर तक नीचे नहीं गिर सकता। बता दें कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच इससे पहले भी कई बार जुबानी जंग छिड़ चुकी है। वहीं गौरतलब है कि शनिवार को दिग्विजय के गृहनगर राघोगढ़ में सिंधिया ने एक सार्वजनिक सभा की थी, जिसके कुछ ही घंटों के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने पूर्व सहयोगी पर तीखा प्रहार करा था। वहीं दिग्विजय ने सिंधिया के विधायकों समेत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कहा कि वह गद्दार हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने रोडवेज बस अड्डे का उद्घाटन एवं जन स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस परिवार पर साधा निशाना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद को संबोधित किया। वहीं बता दें कि सर्वप्रथम उन्होंने तिलोई में बने बस अड्डे का उद्घाटन किया, जिसके उपरांत उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को भारत माता की जय बोलकर संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बगैर नाम लिए राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी में पारिवारिक रिश्ते की दुहाई देते थे वे, लेकिन वह कभी भी अमेठी की गरीब जनता, अमेठी के विकास की बातें सदन में नहीं उठा पाए, जिसके लिए अमेठी की लोकसभा क्षेत्र से सभी लोग तरसते रह गए। वरिष्ठ नेताओं से कहा कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र का अगर आप इतिहास पलट कर देखें तो जनपद के नागरिक इस बात को तरस जाते थे कि जिस व्यक्ति को वोट दिया वो अमेठी के बारे में संसद में कब बोले। जनता के मन में पीस थी कि जिसको हमने वर्षों वर्ष वोट दिया वो दुहाई देते थे रिश्तों की, लेकिन साधन सुविधा से लेस अमेठी की गरीब नागरिक को जनता को नहीं करते थे। वो आस लगाए बैठे रहते थे कि कब जनता के मध्य में से उठी आवाज का चुनौती का समाधान प्राप्त होगा और वो आस मन में दबाकर वर्षों वर्ष यही जनता जीती रही। तिलोई के वरिष्ठ नागरिकों ने और नौजवानों ने देखा कि एक सपना जो 30 साल से संजो कर बैठे थे उस सपने को साकार करते देख एक नया संकल्प लेने का भी मौका मिला। वेंकटेश्वर जी सच कहते कि मैं जब भी इनके साथ किसी मंच पर रहती हूँ तो कुछ नए काम बताते हैं। कहते हैं दीदी भाई का फर्क नहीं की बात, भाई देता है यहाँ उल्टा है भाई लेता है। लेकिन हम इस बात का नहीं कि भाई सागर ने मंच पर अपनी बहन से कहता है कि मुझे ये काम करवाने हैं क्योंकि काम इनके नहीं जनता के हैं। चली आ रही एक मांग को मात्र 9 महीने की अवधि में पूर्ण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से तिलोई वासियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ। वैसे तो ये बसटा देखा जाए तो देश में जब इसकी चर्चा मैंने संसद में की तो जिन लोगों ने इस बस स्टेशन के बारे में मेरे उद्बोधन को सुना वो अचंभित। क्यों जुदा हो रही हैं राहें, किसानों की मांगों को माने जाने से पहले ही निहंगों की घर वापसी हो गई शुरू।
कृषि कानून विरोधी आंदोलन में शुरुआत से ही डटे निहंग जत्थेदारियों ने कानून वापसी के साथ ही घर लौटना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन जारी रखने के ऐलान के बावजूद कुंडली धरना स्थल पर मौजूद निहंग ने रविवार को दो ट्रकों में सामान भरकर व अपने घोड़ों को लादकर जाना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि उनका कहना है कि कृषि कानून के विरोध में यह आंदोलन था और सरकार ने उनकी मांग मान ली है। अब अन्य छोटी मोटी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा। रविवार को कुंडली के टीआई मॉल के पास धरना दे रहे गुरदासपुर के पंथ काली गुरु नानक नाम की निहंग जत्थेदारियों ने भी वापसी जाना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि निहंग जत्थेदारियों ने न केवल अपना सामान समेटकर ट्रकों में लाद लिया बल्कि अपने घोड़ों को भी ट्रकों में चढ़ाकर वापस चले गए। उन्होंने धरना स्थल पर बनाए गए आशियानों को भी उखाड़ लिया और उन तंबुओं को वहां से फेंक दिया है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। पांच राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24x7 जल्द ला रहा है नया शो जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।